मोहज साहब मुसफे नातिक बनाया, 16 सफ़े की एक नज़म झूठी कहानी हर लकड़हारे की, वह लोग पहला पढ़ते आए सन्यास के मौका से किस्सा झूठा। मुफ्ती इनायत अली मरहूम हो चुके, शिया आलम से रियासत मीरपुर खैरस से थी। मेरे सामने मैं आख्या मुफ्ती साहब की किस्सा, उन्हें आख्या मौली साहब करिए हक दसना बहुत मुश्किल है, बे साडे रियासत के नवाब भी ये कर रहे थे, वह मीर जड़े से उन्होंने देगा पकाइया मजमा लगा सी बैठे, उन्हों का बाप भी बुढ़ा बैठा, मैं उन्होंने रियासत का मुफ्ती सी, मेरा बड़ा अदब कर रहे, उन्होंने मैनू ही पूछ लिया कि मुफ्ती साहब ये मुंडे शुंडे जड़े की है। मुफ्ती साहब आख्या बिल्कुल उस समझ जो मैं पुलसरात पर खड़ा कि हूँ सच दस जा तो रियासत तो छुट्टी हो जाने, ये इन्ना खर्चा कर रहे हैं, जे सच ना दसा तो दीन गया। मैं फिर दरेरी करके आख्या भी नवाब साहब सब झूठ है, ना कोई लकड़हारा ना ये कोई गल हुई है ना ये कूडिया का कोई असर है, वट मथे गैर अग लग गई। मैं बाद चो थोट के चला घर जाके मैं अपना बोरिया बिस्तर बन लिया, मेरे रियासत खराब जा हुक्म निकल, मगर बाद चो आंदे अल्लाह ने एडी मदद की, मैं आप उन्होंने को पूछा तो सुनया कि बाबा जरा से उन्हें आख्या लान उत्ते जमन कि एक आलम रख्या तो उन्होंने जो तुम पूछा उन्हें सच दसता तो गुस्से करते फिर रहे, आलम वो कवे जो तुम झूठ सच बोलते की फायदा उस आलम का जो उन्हें सही नहीं दस कि गल नाराज होती, मेरा वजीफा होर बढ़ गया मैनू तरक्की हुई उस बाबे दे लानत पाउंदे कि आलम को हक सुनिया करो, अपनी मर्जी दल्ला मूँह करवाणी तो पूछने की लड़ कि उस अगे तुम समझी बैठे। तो एक किस्सा जरा ना ये कूडिया शूडिया का बिल्कुल कोई शह नहीं, ना ये छियाँ चाह ना सुनिया कुछ भी नहीं, खाण पीन का टौंग तफसील से आगाह करके लम्बा दूँ तफसील होगी सवालों के जवाब होगा। ये चीज़ कोई नहीं, खुदा तो डरो बचना चाहिए रहना चाहिए, ये कुछ भी नहीं चीज़। अलबत् मैं तुहाड़ी तोहफे तौर एक बात अर्ज कर देना, जी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फिर हर बंदा चूंकि कोई ना कोई मुश्किल होंगी है इनू करो छोटा जहा काम कि जिन्होंने भी कोई परेशानी ना दुआ कर लगियां सूरा फातिहा पढ़े, मगर पढ़े इस तरह कि पहली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगे जी नीम है ना लाम ना रौनी, जुदा नहीं पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इदा नहीं पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल आलमीन, और फिर जो आवे अर रहमान रहीम तीन बारी इतने रुक जाना अर रहमान रहीम अर रहमान रहीम अर रहमान रहीम, और फिर यह सूरा फातिहा खत्म करके तीन बारी कहना आमीन आमीन आमीन। छोटा जहा कविर जरा अज के जुम्मे से ही समझो एक तोहफा, इन पल्ले बनो और सूरा फातिहा तो जो खुद अल्लाह रसूल ने किया बिना तौरात ना जबूर ना इंजील ना कुरान ये वर्गी कोई नहीं उतारी, इस तो अल्लाह ने हर रख जेनू रख दिता ए पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल आलमीन, और अगे तीन वारी अर्रहमानिर्रहीम फिर आखिर ते आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आप मुश्किल हल करना कूडिया शूडिया की करना, अल्लाह को मंगा करो अल्लाह तो सब कुछ नहीं करते। ए मौलाना फकीरुल्लाह साहब ने लिखा जी बंदा की किताबें बहुत देर से पढ़ी हैं फरोख्त नहीं हो रही, मेहरबानी फरमा कर इलाज कर दें ताकि मेरा खर्चा बन जाए क्योंकि और कोई सहारा नहीं खुदा की ज़ात के साथ। बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ इब्ने कसीर सीरत तो अपने नबी मुकम्मल सेट दीगर बेहतरीन कुतुब का ऐलान कर दें, अल्लाह आपको अजर अजीम अता करे, और मेरी अहलिया बहुत बीमार है उसके लिए दुआ करें इंशाअल्लाह पैन लिए होर मरीजों लिए दुआ बाद करांगे। बाकी मौलाना ने जो कुछ किया है तुम सुन लिया, किताबा उत्ते उन्होंने को मौजूद है जिन्होंने मैं अल्लाह तआला ने वसत दी है सही बुखारी और तर्जमे हदीसा लै जाया करो, एक कर समझो असल सरमाया जिन्होंने इकट्ठा करा जो दुनिया का माल कुछ है नहीं, और दूजियां नूं भी खरीद के दिया करो अपने तो अलावा होर किसी भी खरीद के दे दिया करो, ये सदका जारिया होगा। اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون। अल्लाह हज़रत साहिब सरब दे रोग पुछ के जाना।